नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे। पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको लालबाग के राजा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि उनकी स्थापना कब और कैसे हुई और उनको मन्नतों का राजा कैसे कहा जाने लगा। लालबाग का राजा मुंबई का सबसे अधिक लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मंडल है। लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की स्थापना 1934 में चिंच पोपली के कोलियों द्वारा की गई थी। यह मुंबई के लालबाग परे इलाके में स्थित है। यह गणेश मंडल अपने 10 दिन के समारोह के दौरान लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मान्यता यह है कि लालबाग के राजा से जो मन्नतें मांगी जाती हैं वे जरूर पूरी होती हैं, इसलिए इन्हें मन्नत का राजा भी कहा जाता है। हर वर्ष दर्शन पाने के लिए यहाँ करीबन 5 किलोमीटर की लंबी कतार लगती है। लालबाग के गणेश मूर्ति का विसर्जन गिरगांव चौपाटी में 10वें दिन किया जाता है। इस मंडल की स्थापना वर्ष 1934 में अपने मौजूदा स्थान लालबाग परेल में हुई थी। पूर्व पार्षद श्री कुंवरजी जेठाबाई शाह, डॉक्टर वी बी कोरगांवकर और स्थानीय निवासियों के लगातार प्रयासों और समर्थन के बाद मालक रजब अली ताइयावाली के बाजार के निर्माण के लिए एक भूखंड देने का फैसला किया। मंडल का गठन उस युग में हुआ जब स्वतंत्रता संघर्ष अपने पूरे चरम पर था। लोकमान्य तिलक ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों की जागृति के लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव के विचार विमर्श को माध्यम बनाया था। यहाँ धार्मिक कर्तव्यों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाता था। लालबाग के राजा को आजादी मिलने से पहले पेरू चाल बाजार के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में यह किसी कारण बंद हो गया। हालांकि बाद में अपने नए रूप में शुरू हुआ तो अपनी भव्यता के कारण चर्चा में आ गए, पर कोरोना ने 86 साल से चली आ रही परंपरा को तोड़ दिया। कोरोना वायरस के कारण पिछले साल लालबाग के राजा का दरबार नहीं सजाया जा सका, पर 2 साल बाद एक बार फिर भव्य रूप में लालबाग के राजा का दरबार सजाया गया है। यहाँ हर साल गणेश जी इसी अंदाज में विराजते हैं, फिर भी भक्तों में इनके दर्शन का गजब का उत्साह रहता है। लालबाग के राजा का पंडाल मुंबई में आकर्षण का केंद्र होने जा रहा है, क्योंकि अब की बार बप्पा का दरबार अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की तरह सजाया गया है। लालबाग के राजा गणपति की मूर्ति का आयोजन कामली परिवार द्वारा 8 दशकों से अधिक समय से किया जा रहा है। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि यहाँ अंबानी परिवार से लेकर बॉलीवुड के लगभग सभी एक्टर्स दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि इनका दर्शन करना बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। लालबाग के मंडल में आई हुई दान रकम से कई चैरिटी भी चलती है। इस मंडल की अपनी कई अस्पताल और एम्बुलेंस है जहाँ गरीबों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं में राहत कोष के लिए भी लाल बागशा मंडल आर्थिक रूप से मदद करता है। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों।